नंबर सिक्स देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू साइन 5x है, ठीक। तो लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू साइन 5x, e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन और साइन 5x साइन ऑफ 5x को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू d बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन 5x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स cos ऑफ 5x, ठीक। सुनो, साइन का पूरे का किया तो क्या आ गया cos ऑफ 5x, और 5x का करोगे, 5x का भी करोगे ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन पहले पूरे का फिर अंदर का 5x का करो, 5 आएगा। तो उस 5 को हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो 5 इंटू e टू द पावर x इंटू cos 5x प्लस साइन 5x को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव सबको पता है e की पावर x ही होता है, और x का करोगे तो 1 आएगा, ठीक। फंक्शन ऑफ फंक्शन भी लगाओगे, पहले पूरे का करोगे फिर e की पावर में जो है उसका करोगे, है ना, x का करोगे तो 1 आएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन है आपके पास, यहाँ भी e की पावर x है और यहाँ भी e की पावर x है, तो हम क्या करेंगे e की पावर x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन आप तुरंत ले लिया करिए, ठीक है, क्योंकि फिर से हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो 5 इंटू कॉस ऑफ 5x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर साइन ऑफ 5x बचेगा, ठीक। तो ये तो आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, क्या ये आ गया आपके पास डी वाई बाय डी एक्स। अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आंसर आया है आपके पास इसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, और लेफ्ट में भी क्या डी वाई डी एक्स ऑफ वॉट डी वाई बाय डी एक्स। तो लेफ्ट में तो हो जाएगा आपके पास डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट में देखो ये e की पावर x को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, और इस पूरे ब्रैकेट को स्टूडेंट्स आप सेकेंड फंक्शन, क्योंकि देखो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है e की पावर x इंटू ये पूरा ब्रैकेट, ठीक। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ 5 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस साइन 5x, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी कि 5 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय dx ऑफ e की पावर x। तो ये ऐसा कुछ हो गया, चेक कर लीजिए फिर से, फर्स्ट फंक्शन इंटू d बाय dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा इंटू, अब देखो ये ब्रैकेट में डी वाइडी एक्स अंदर जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, ये 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब कॉस का क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कॉस 5x करोगे तो माइनस ऑफ साइन 5x आएगा, और फिर 5x का करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और वो 5 इस 5 में मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देगा, 25 कर देगा, ठीक। प्लस साइन ऑफ 5x का करोगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 5x, और 5x का करोगे तो 5 आएगा, उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब प्लस देखो ये e की पावर x का आप डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x ही आएगा, तो उसको आप पीछे लिखो या आगे लिखो बात क्या है, सेम, और ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। तो जो इसका आंसर आया e की पावर x, उसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि e की पावर x इन द ब्रैकेट 5 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस साइन 5x, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पास फर्स्ट टर्म पूरा, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया सेकेंड टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में फिर से आपको देखो ये e की पावर x इंटू इतना और e की पावर x इंटू इतना, तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, e की पावर x। तो इस पूरे ब्रैकेट में जो कर्ली ब्रेसेस लगाए मैंने दोनों तरफ, इसमें से हम e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने e की पावर x को यदि कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, आपके पास यहाँ पर बचा, ध्यान दीजिएगा जरा, माइनस 25 इंटू इंटू साइन 5x प्लस 5 इंटू कॉस 5x, ठीक है, और प्लस e की पावर x बाहर जा चुका है कॉमन में, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पर, 5 इंटू कॉस 5x और प्लस साइन 5x, ये आपके पास बच गया, ठीक है।
तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। क्या ये भी और सॉल्व हो सकता है? यस। कैसे? ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट अगर हम हटा दें, हटा सकते हैं बिल्कुल, यहाँ भी प्लस है तो अंदर कोई साइन नहीं चेंज होगा, ये ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। अब लाइक टर्म्स को देखिए, कहाँ कहाँ है लाइक टर्म्स। देखो स्टूडेंट्स, 5 cos 5x और 5 cos 5x है ना भाई। एक बात बताओ, 5m और प्लस 5m क्या होता है? 10m होता है। यानी कि अगर ये सेम हो दोनों में, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ m की जगह क्या है? cos 5x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मिलके हो गए 10 cos 5x और प्लस। अब ध्यान से चेक करिए, ये वाला और ये वाला टर्म, इन दोनों को देखिए, तो -25 और sin 5x के आगे कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, तो -25 और प्लस 1 -24 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास -24 और लाइक टर्म्स थे यानी कि दोनों के साथ sin 5x था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर यहाँ से आप कुछ कॉमन लेना चाहें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 2 कॉमन लिया गया है एनसीईआरटी के जो आंसर आया है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की जगह, जब 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 5 2 10 होता था, यहाँ 5 cos 5x -24 में से 2 बाहर गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा 12, क्योंकि 12 2 24 होता है, 12 sin 5x। तो दिस इज योर d2y/dx² कर लीजिए।